वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। सूर्यावा में सड़क हादसा हुआ है। लापरवाह ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार पिता पुत्र की जान ले ली है। हादसे के बाद परिजनों संग इलाके में कोहराम मचा है। हादसा भदोही सूर्यावा मार्ग निरंकारी भवन के समीप का है, जहां सड़क चौड़ीकरण को लेकर पेड़ कटाई का काम चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसी पेड़ की लकड़ी को लादकर ट्रैक्टर चालक लेकर जा रहा था। सूर्यावा के नयागंज निवासी 30 वर्षीय ओम प्रकाश हलवाई बाइक से अपने 10 वर्षीय पुत्र प्रियांश को लेकर सूर्यावा की तरफ जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता पुत्र को अपने चपेट में ले लिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। उधर सूचना मिलते ही सूर्यावा में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। सूर्यावा के नयागंज निवासी बसंतलाल हलवाई का पुत्र ओम प्रकाश हलवाई सूर्यावा के स्टेशन के सामने नयागंज में मोबाइल की दुकान चलाता था। रविवार को अपने 10 वर्षीय पुत्र प्रियांश को बाइक से लेकर कहीं गया हुआ था, लेकिन किसी को क्या पता था कि बाप बेटे का काल इंतजार कर रहा है। एक साथ दोनों की मौत से सूर्यावा के व्यवसायियों सहित परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे का मंजर जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही ने बाप बेटे की जान ले ली है। घटना स्थल पर काफी गहमा गहमी रही। परिवार की महिलाएं बेसुध हो गई थी, आंखें पथरा गई थी। सूर्यावा के निरंकारी भवन के सामने यह सड़क हादसा हुआ है, जहां एक साथ बाप बेटे की मौत हुई है। ओम प्रकाश हलवाई बेहद मिलनसार युवक था। एक साथ बाप बेटे की मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। औराई के बरजी गांव में जल जीवन मिशन की भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। हालांकि जिला प्रशासन को बरजी के ग्रामीणों का विरोध भी झेलना पड़ा है। औराई तहसीलदार की देखरेख में राजस्व कर्मी व पुलिस बल बरजी गांव में बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। राजस्व विभाग का कहना है कि जल जीवन मिशन के नाम से चिन्हित भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जबकि बरजी गांव के रामधारी शिव कुमार हीरामणि का कहना था कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद जबरन औराई तहसील प्रशासन ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा गया है। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर भगवान विश्वकर्मा का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ज्ञानपुर के कंसापुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए सपाइयों ने धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा का जन्म उत्सव मनाया है। भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए मिष्ठान का भी वितरण किया गया। इस दौरान सपाइयों ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर सपा सरकार ने अवकाश घोषित किया था, लेकिन भाजपा सरकार चारों युगों के भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर अवकाश रद्द कर दिया है। इस मौके पर जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, लालचंद बिंद, दीप नारायण भारती, पवन विश्वकर्मा, सरिता बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत हरिपट्टी गांव में चोरों ने एक मकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नकदी सहित कीमती आभूषण चोर उठा ले गए हैं। हरिपट्टी निवासी अनिल दुबे ने मोड़ पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि परिवार के सभी सदस्य आंगन में सो रहे थे। मकान के पीछे से छत के सहारे चोर घर में घुसे, दो अलमारी व तीन कमरों का ताला तोड़कर सोने का हार, नथिया, झुमका, अंगूठी, पैजनी, पायल सहित 12,000 रुपया नकद उठा ले गए हैं। सुबह नींद खुली तो कमरों का टूटा ताला देख परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए। अनिल कुमार दुबे ने बताया कि इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी गई है। जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। चोरी की वारदात से हरिपट्टी गाँव में सनसनी फैली हुई है। भदोही शहर के मर्यादपट्टी, कांसीराम आवासीय कॉलोनी, गांजा शराब जैसे अवैध धंधों का अड्डा बन गया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने कांसीराम कॉलोनी से घमाहापुर निवासी राजन बिंद नामक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 1 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। भदोही कोतवाली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुड़की साई मंदिर के समीप जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से दो लोग घायल हुए हैं। साई मंदिर के समीप शिव प्रकाश जायसवाल नामक व्यक्ति अपने मकान के चबूतरे का निर्माण करा रहा था, जहां लालजी यादव के परिवार वालों ने विरोध जताया। दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि लालजी के परिवार वालों ने हमला कर दिया। मारपीट में शिव प्रकाश व विशंभर घायल हुए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया है। ज्ञानपुर के जुरई में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां नवागत जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा की अगुवाई में पार्टी कार्यालय पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद नवागत जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के जमीनी व छोटे कार्यकर्ताओं से भी नवागत जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा मुखातिब हुए और बातचीत भी की, जहां ऐसे कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष को अपने बीच पाकर गदगद नजर आए। इस मौके पर टंकी गुरु, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे, मनीष पांडे, सपना दुबे, भीम, नागेंद्र सिंह, आलोक आदि मौजूद रहे। वायरल फीवर की चपेट से भदोही जनपद जूझ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। भदोही जिला प्रशासन मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए जानकारियां दे रहा है, लेकिन इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर आई है भदोही विकास खंड के ग्राम सभा गोहिलाओं के रजईपुर से। ग्राम सभा की सरोज बस्ती के रास्ते पर भीषण जलजमाव है। पानी में कीड़े पड़ गए हैं। बस्ती के कई लोग वायरल फीवर के चपेट में हैं। बस्ती के विजय कुमार, लाल बहादुर, दीपचंद, राजकुमार, भगवती प्रसाद ने बताया कि गांव के मुख्य मार्ग पर भीषण जलजमाव हो गया है। ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है और न ही छिड़काव कराया जा रहा है। जलजमाव से बस्ती के लोग बीमार हो रहे हैं। अवैध बालू खनन व बिक्री को लेकर एसडीएम ज्ञानपुर ने छापेमारी की है। छापेमारी से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया था। एसडीएम की छापेमारी में अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर सीज हुआ है। एसडीएम ज्ञानपुर गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड पर छापेमारी की है, जहां बालू लदे दर्जनों ट्रैक्टर खड़े थे। इन ट्रैक्टरों के परमिट की जांच की गई। इस दौरान मौके से कई ट्रैक्टर फरार हो गए। छापेमारी से हड़कंप मचा था। बालू लदे एक ट्रैक्टर पर कार्रवाई करते हुए गोपीगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही खनन अधिकारी व एआरटीओ को एसडीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। भदोही जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जगह जगह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में अलग अलग ढंग से पीएम का जन्म उत्सव मनाया है। गोपीगंज नगर के त्रिमोहानी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आलोक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पीएम के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कालीन निर्यातक ब्रजेश गुप्ता रहे। इसी तरह नई बाजार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन मनाया गया है। मंडल महामंत्री राजू गुप्ता के नेतृत्व में बच्चों के बीच केक का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष निर्मला सोनकर पहुंची थी। इस मौके पर लालता सोनकर, विनीत बर्णवाल, भरत जायसवाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के मर्याद पट्टी महादेव मंदिर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल, अंजलि मौर्य, सत्यशील गुप्ता, योगेश जायसवाल, अजय दुबे आदि मौजूद रहे। मौर विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर की अध्यक्षता में पेरियार रामा स्वामी नायकर की जयंती मनाई गई। ज्ञानपुर के अछवर में बड़े ही धूमधाम से जयंती मनाई गई है। कार्यक्रम का आगाज बुद्ध वंदना से किया गया। मौर विकास समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर ने जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पेरियार रामा स्वामी नायकर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीबों के उत्थान के अग्रणी और द्रविड़ आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, जहां उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर एडवोकेट संजय कुमार मौर्य, बंसराज मौर्य, शिवशंकर शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिर परिसर में महिला खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने अपने खेलकूद का हुनर दिखाया और खूब तालियां बटोरी। मंदिर की माता राजलक्ष्मी मांडा ने बताया कि खेलकूद से तनाव दूर होता है,
महिलाओं के तनाव को दूर करने के मकसद को लेकर मंदिर परिसर में इस तरह के खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें टप में गेंद फेंकना, गोला दौड़, बिस्कुट खाना जैसे खेलकूद शामिल रहे। महिलाओं ने खेलकूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम से सुंदरवन मंदिर परिसर रविवार को गुलजार रहा। इस मौके पर गुरुजी जगन्नाथ यादव, श्री प्रकाश दुबे, दिवाकर बिंद आदि मौजूद रहे। रेलवे विभाग ने शॉपिंग प्लाट संचालकों को नोटिस भेजते हुए 15 दिन में शॉपिंग प्लाट खाली करने की चेतावनी दी है। नोटिस मिलते ही शॉपिंग प्लांट संचालकों में हड़कंप मच गया। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के स्टेशन रोड पर लंबे समय से लाइसेंस होल्डर के रूप में शॉपिंग प्लांट पर कुछ लोग अपनी अपनी दुकानें संचालित कर रहे थे। रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि रेलवे शॉपिंग लाइसेंस होल्डर करार की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया कराया जाना है। ऐसे में रेलवे विभाग ने शॉपिंग प्लांट संचालकों को नोटिस दबाते हुए 15 दिन के अंदर दुकान खाली करने की चेतावनी दी है। नोटिस मिलते ही शॉपिंग प्लांट संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही नगर पालिका परिषद के भाजपा सभासद प्रदीप यादव रहे। फीता काटकर पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जहां मुख्य अतिथि ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर समीर उपाध्याय, नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार मौर्य, डॉक्टर अफरोज अंसारी, सुरक्षा कर्मी अफजाल अंसारी सहित तमाम डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। ज्ञानपुर इलाके के मवैया हरदोपट्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाई गयी। जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। विद्यालय के प्रबंधक राज बहादुर पाल ने नायकर की जीवनी पर जहां प्रकाश डाला, वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट मुरलीधर बिंद ने जयंती पर आयोजित क्रॉस कंट्री के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। एथलीट खिलाड़ी महादेव प्रजापति को नोटों की माला पहनाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। कार्यक्रम का संचालन कैलाशनाथ पाल ने किया। भदोही में धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। हर तरफ विश्वकर्मा पूजा की धूम रही। कल कारखाना, गैराजों व बिजली प्रतिष्ठानों पर विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। प्रतिष्ठानों को भव्य तरीके से सजाया गया था। इन प्रतिष्ठानों पर प्रसाद का भी वितरण किया गया। गोपीगंज में भी धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। गोपीगंज के गिराई स्थित पावर हाउस पर भी पूजा पाठ किया गया। इसी तरह गोपीगंज के ही आईटीआई कॉलेज कठौता में भी भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर संतोष सिंह, वंश नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर भदोही जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर पर धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विश्वकर्मा मंदिर पर मेले जैसा नजारा था, दर्जनों दुकानें सजी हुई थी। भगवान विश्वकर्मा के जयकारे से मंदिर परिसर गूंजता रहा। विश्वकर्मा पूजा को लेकर सुबह से ही कल कारखाने के मशीनों को साफ सफाई करते हुए मशीनों पर फूल माला चढ़ाए गए और भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। भदोही जिले भर में भगवान विश्वकर्मा पूजा की धूम रही। इस मौके पर आशीष विश्वकर्मा, लालचंद विश्वकर्मा, घनश्याम विश्वकर्मा, सूरज विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं, या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।